अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक ऑटो गाइड में खुश आमदीद। एक और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम लोग हाज़िर हैं। आज हम लोगों के पास दूसरा रिव्यू लेकर आए हैं क्रोला क्रॉस हाइब्रिड का, जो कि हमारे पास टेस्ट ड्राइव यूनिट में आई हुई है। इसके थोड़े से स्पेक्स के बारे में बात करेंगे और टेस्ट ड्राइव क्या थोड़ा सा आपसे डिटेल में बात करेंगे। गाड़ी की ड्राइविंग कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है और गाड़ी का कंफर्ट लेवल कैसा है, फ्यूल कंजप्शन किस तरह है और गाड़ी का मैकेनिज़म क्या है, थोड़ा सा हम आपसे स्टार्ट से लेकर एंड तक थोड़ी सी इस पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अच्छी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम स्टार्टिंग करते हैं गाड़ी के स्टार्ट से। क्रोला क्रॉस जो है वो स्मार्ट एंट्री सिस्टम है। क्रोला क्रॉस में चाबी आपकी जेब में है और आप ये गाड़ी दरवाज़ा जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आप गाड़ी पे इस तरह सीट पे अंदर जब आप ड्राइवर सीट पे बैठते हैं तो आपकी ड्राइवर सीट जो है ये देखें ये ऑटोमेटिक है, इसको ऑटो एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। ये 6-way पावर सीट है और ये आप गाड़ी की जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हाइट और अपने हाइट के हिसाब से, जो भी आपके कंफर्टेबल है आप इसको सबसे पहले सेट करते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पे आपका ही ब्रेक पैडल है, नीचे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करने के बाद यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन है, पुश स्टार्ट आप प्रेस करते हैं तो गाड़ी आपकी कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी का ये लोगो आता है, क्रोला क्रॉस लिखा हुआ आता है। ये आपकी LCD पैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये इस तरह का आपको जो है वो मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है ड्राइविंग का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने जो करना है वो करना है कि इसकी जो है इसकी हैंड ब्रेक है वो बेसिकली पाँव में दी हुई है, जिसको हम हैंड ब्रेक तो नहीं बोल सकते, इसको हम आपके फुट ब्रेक बोल सकते हैं। फुट से आपने इसको सबसे पहले रिलीज़ करना है। जैसे रिलीज़ करेंगे ये पी का बटन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कि मतलब अब गाड़ी जो है वो ड्राइव है। अभी आप ये देख सकते हैं गाड़ी जो है वो पार्किंग मोड में, ठीक है, इधर भी पी लिखा हुआ आ रहा है, पार्किंग मोड में है गाड़ी। पार्किंग मोड से गाड़ी को फिर हमने रिवर्स करेंगे, रिवर्स के बाद फिर हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये बैक कैमरा ऑन हो जाएगा और यहाँ पे भी जो है वो रिवर्स का इंडिकेटर देना शुरू हो जाएगा, सही है। उसके बाद गाड़ी ये एन पे, ये न्यूट्रल होगी गाड़ी, और ये पी पे ये अब ड्राइव है। ये ड्राइव के लिए गाड़ी आपकी तैयार है। गाड़ी का भी आप देख लेंगे, कोई इंजन का साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि गाड़ी जो है वो स्टार्ट जो होती है वो हमेशा बैटरी पे होती है, इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी पे, ठीक है। इसमें हम आपको गाड़ी का वो सारा मैकेनिज्म भी दिखाएंगे कि किस तरह इंजन और वो बैटरी और वो सारी चीज़ें वो ऑपरेट हो रही होती हैं, सही है। इसके बाद इसमें आप ये देख रहे होंगे कि एक बी का भी है बटन। बी आपने जो है वो चढ़ाई पे इस्तेमाल करना है, जिसमें दूसरे तीसरे गियर तक मैक्सिमम गाड़ी जाती है, चढ़ाई के दौरान बी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल हाईवेज पे आपने डी पे ही रखना है, ठीक है। बाकी गाड़ी का मैकेनिज्म चेक करने के लिए आपने इस पर जाना है, इसमें एक व्हीकल इन्फो आ रही है, व्हीकल इन्फो पर जाना है और एंट्री फ्लो पर, ये आपका मैकेनिज्म है। अभी इसमें देख रहे हैं कि बैटरी की तकरीबन 3 बार जो है वो आ रही हैं, कि 3 बार की चार्जिंग जो है वो बैटरी की हुई हुई है, सही है। और बाकी इसको ऑफ़ कर देते हैं, बाकी अब हम आपको थोड़ा सा ड्राइव करके बताते हैं। और यहाँ पे मीटर पे कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि वो रेडी लिखा हुआ है, रेडी टू मूव के लिए हम चल सकते हैं। टाइम आ रहा होता है, EV आ रहा होता है, ये सारी चीज़ें इधर आपकी शो हो रही होती हैं। आउटसाइड टेम्परेचर शो हो रहा होता है, ये फ्यूल की गेज है और ये चार्जिंग का शो कर रहा है साइड पे, हमारे लेफ्ट साइड पे चार्जिंग इकॉनमी और पावर का। तो अभी इसको थोड़ा सा हम ड्राइव करते हैं। बाकी स्टेयरिंग पे स्विचेस वगैरह हैं, ये आपके क्रूज़ कंट्रोल के स्विचेस हैं, ठीक है। ये मोड जो है ये आपका LCD का, और इस साइड पे आपका MID के स्विचेस वगैरह हैं, ठीक है। ये आपका स्टेयरिंग कुछ इस तरह से करके, ठीक है। ये आपका ड्यूल जोन ऑटो AC है और ये आपके पावर मोड्स वगैरह, सही है। थोड़ा सा गाड़ी को अब हम ड्राइव करते हैं, गाड़ी को ड्राइव करते हैं, देखें गाड़ी ड्राइव हो रही है तो ये मोटर से बैटरी चार्ज हो रही है और मोटर आपके व्हील्स को पावर दे रही है। अभी तक इंजन जो है वो हमारा कट ऑफ है, अब हमारा इंजन भी स्टार्ट हो गया। इंजन की आपने साउंड सुनी होगी, इंजन स्टार्ट हो गया क्योंकि बैटरी लो थी तो मोटर को भी इसने चलाना था और बैटरी भी चार्ज करनी थी, तो इंजन हमारा स्टार्ट हो गया। ये अभी नॉर्मल उस पर है ब्रेकिंग पे, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह ये इसका मैकेनिज्म है।
इसमें सबसे जो बेस्ट, जो मुझे अभी तक ऑप्शन लगा है, सबसे बेस्ट जो फीचर है वो ब्लाइंड स्पॉट मिरर है। ब्लाइंड स्पॉट मिरर अभी इधर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, वो जब हम गाड़ी ड्राइव करेंगे साथ पे से कोई गाड़ी गुजरती है, कोई चीज़ गुजरती है, तो वो आपको ब्लाइंड स्पॉट मोनिटरिंग जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि साथ से कोई चीज़ या कोई गाड़ी वगैरह गुजर रही है। ये आपका ईवी मिरर है, ठीक है। और ये ऊपर जो है वो सनरूफ है, सनरूफ हमने क्लोज़ किया हुआ है, बड़ा ही प्रीमियम लुक टेरारोसा ब्लैक के साथ जो है कम्बिनेशन है लेदर पैकेज का। ये देखें अभी इंजन स्टार्ट हुआ हुआ है, ये पूरा मैकेनिज्म है, ये आप साथ साथ देख सकते हैं। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका इंजन कट ऑफ हो जाता है, ये गाड़ी रुकती है, इंजन कट ऑफ हो जाता है। जैसे आपकी गाड़ी चलती है वो अपने हिसाब से उसको सेट करता है और गाड़ी को जो है वो ड्राइव करता है। बहुत ही गाड़ी की कंफर्ट लेवल की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंफर्ट लेवल है। हमारे पास कुछ रिवाइवल ब्रांड्स के यूज़र्स आए हैं जिन्होंने गाड़ी टेस्ट ड्राइव की है, तो उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी ब्रेक हैंडलिंग गाड़ी की, कंफर्ट लेवल, ब्रेकिंग सिस्टम, सारा कुछ जो है वो बहुत ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन ब्रांड्स के, लेकिन यह है कि उनसे इसी SUV ब्रांड्स में हैं और इनसे वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर है। आज हम इसकी जो है ना क्रोला क्रॉस की टेस्ट ड्राइव पे आए हैं। क्रोला क्रॉस जो है वो जिसने हमको बताया हाइब्रिड गाड़ी है, 1.8 इंजन CC के साथ है और फर्स्ट पाकिस्तान लोकली असेंबल्ड गाड़ी है। और इसकी थोड़ी सी हम टेस्ट ड्राइव करते हैं, उसमें देखते हैं कि गाड़ी की ड्राइव कैसी है, गाड़ी की हैंडलिंग लेवल कैसा है, तो उसके बाद फिर आपको इसमें साथ साथ जो है ना हम लोग गाइड करते हैं। हमारे साथ आप वीडियो में रहिएगा, फिर इंशाल्लाह हम आपको बताते हैं। गाड़ी की अगर कंफर्ट लेवल की बात की जाए तो कंफर्ट लेवल गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो आपके राइवल्स ब्रांड हैं उनसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर आ रहा है। और इसकी जो स्टेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई भी है गाड़ी की। और जो है इसका अब जो बात करते हैं साउंड का, साउंड की बात करते हैं तो साउंड लेवल भी इसका जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब क्वाइट है, अंदर नॉइज़ वगैरह नहीं आती, इंजन की नॉइज़ जो है वो नहीं आती गाड़ी में। तो ये देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त ऑप्शन आया हुआ है। प्राइस इसकी पता है 1,84,000 रुपये इस टाइम कीमत रखी हुई है विद टैक्स स्पॉइलर की। और फ्यूल कंजप्शन इसका सबसे बेस्ट है, अभी मैं चला रहा हूँ बिल्कुल हल्के पाँव से और फ्यूल कंजप्शन जो है वो इसका ऑलमोस्ट लोकल पे इन सिटी जो है वो आपका ड्राइव इन सिटी जो है वो आपका तकरीबन 26 किलोमीटर कर रहा है। अब बाकी आपको ये व्हीकल इन्फो भी दिखाते हैं। ये देखें ज़्यादातर गाड़ी जो है हमारी वो बैटरी मोटर और इस पे ड्राइव होती है, इंजन बहुत कम ऑन होता है, जब बैटरी का लेवल डाउन होता है तब इंजन ऑन होता है। गाड़ी की ये चीज़ आपको जो है ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है जब आप इसको चेक करते हैं। और आप अगर ये देखें ब्लाइंड स्पॉट मिरर जो है, ब्लाइंड स्पॉट मिरर साथ से कोई गाड़ी ऑन होती है तो ये येलो लाइट इंडिकेट करती है कि जी साथ से कोई गाड़ी जो है वो गुजर रही है। बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, बड़ा ही इसमें आपको मतलब मज़ा आता है यार, आपको पता चल जाता है कि एक सेफ्टी फ़ीचर भी आपकी गाड़ी के लिए। गाड़ी में भी देखिए इस समय सीट बेल्ट लगाई हुई है, फोर्स लिमिटर प्री टेंशनर सीट बेल्ट है, ये आप लगाएंगे तो इसके बाद ही आपका फिर एयर बैग्स, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग्स आपके डिप्लॉय होते हैं। और इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 7 एयर बैग्स दिए हुए हैं कि जो कि अंदर ना सिर्फ गाड़ी की सेफ्टी भी है, इसमें उसकी सेफ्टी भी है जो अंदर पैसेंजर्स हैं और ड्राइवर है उसकी सेफ्टी भी है गाड़ी में। तो ये आप मैकेनिज्म देख लें कि अभी ये गाड़ी को हम क्रूजिंग कर रहे हैं तो इंजन भी आपका स्टार्ट है, मोटर भी है और बैटरी भी साथ साथ चार्ज हो रही है। और ब्रेक सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपकी बैटरी जो है वो आपकी चार्जिंग पे चली जाती है और मोटर जो है इंजन कट ऑफ हो जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मतलब ये आपका सिस्टम है, बाकी गाड़ियों में, बाकी जो अभी SUVs हैं उनमें नहीं है और उनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा अप हैं। तो ये अभी आपके पास बहुत ही अच्छा जो है वो ऑप्शन है, इसको आज ही जो है मतलब आप गाड़ी को बुक करवाएं और आप अपने हाइब्रिड के फ्यूल कंजप्शन का भी मज़ा लें और लेवलिंग का भी। ये देखें मैं आपका कट कट है बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में, ये देखें ये आपका हैंडलिंग लेवल बहुत अच्छा हुआ है गाड़ी का, पिक गाड़ी की बहुत अच्छी है। अब ये देखें गाड़ी को हम थोड़ा सा भगा रहे हैं गाड़ी की, लेकिन पिक लेवल जो है वो बहुत बेहतर है, मतलब कहीं से भी फील नहीं हो रहा कि यार गाड़ी जो है वो हाइब्रिड है या गाड़ी ने कोई पिक लूज़ की हो। तो पिक भी गाड़ी की जो है ना वो बहुत ही अच्छी चल रही है।
बहुत अच्छी पिक आ रही है गाड़ी की। और अभी यहाँ पे हम ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं, ब्रेकिंग का भी देख लेते हैं ब्रेक से क्या। ब्रेक्स भी इसकी बहुत अच्छी हैं, मतलब ब्रेकिंग भी अगर हमने अप्लाई की है तो फ़ौरन ABS ऑन हो गई है। तो ओवरऑल गाड़ी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। टेस्ट ड्राइव वाला यूनिट अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप लोग हमारे शोरूम पे विज़िट करें टेस्ट ड्राइव के लिए और इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करें। पहले टेस्ट ड्राइव करें, उसके बाद जो है ना वो गाड़ी को आप बुक करवाएं और इंशाल्लाह आपको ये गाड़ी पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं किसी अच्छी गाड़ी की रिव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।